झारखंड में लुटेरों की सरकार है, लूटने के लिए पदस्थापित है और लूटने के लिए भ्रष्ट अफसरों को, 4 सीटेड अफसरों को जगह जगह पर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पदस्थापित कर रखा है ताकि तुम भी लूटो और लूट का 50, 60, 80 जहाँ जैसा बनता हो वैसा वसूल करो, यही इस राज्य में चल रहा है। कल से और आज भी देखे होंगे अखबारों में और कल सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ। हम तो ऐसी बदनाम ही हैं कि सरकार को ऐना हर हमेशा दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं झारखंड में क्या हो रहा है। लेकिन कल आप सब लोगों ने देखा होगा कि सरकार के जो सहयोगी दल है, उनके जो विधायक है, उनके जो पूर्व मंत्री है, उन्होंने साफ कहा कि भाई किस प्रकार के राज्य में एसपी और डीसी लोगों का पदस्थापन 5-5 करोड़ रुपया में होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जो नेता है, उन्होंने जनता की जब सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है और आरोप लगाया है, तो ये आप सबको ध्यान में है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अफसर और अपराधी मिलकर के अपराध करते हैं। विधायक ने तो कहा 60-40 और उन्होंने कहा कि 50-50 या बंटवारा होता है। तो आप ये जरा सोचिए राज्य में क्या हो रहा है, कैसी सरकारें चल रही है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कभी जेल से, मैंने जेल में कैदियों से बात कर, मैंने कैदियों से ही मनचाहा अफसर अपनी पोस्टिंग कराते हैं, इससे बड़ी और खतरनाक स्थिति क्या होगी। अगर इस प्रदेश में अपराधियों के कहने पर या उनके इच्छा से अफसरों का, पुलिस अफसरों को भी खास करके पदस्थापन होता है, तो फिर राज्य में अपराध कैसे रुकेगा, किस प्रकार से रुकेगा। ये हमारी कहना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, उनके कहा हुआ बात मैं कह रहा हूँ। कल आप सब लोगों ने देखा, सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा था, आज अखबारों में भी छापा है। तो ये हालत है। और जेल में जो बंद है, एक दलाल आप सबको पता ही है, प्रेम प्रकाश, यानी वहाँ से वो पोस्टिंग ही नहीं कराते हैं। पिछले दिनों क्रिकेट का खेल हुआ, पता चला कि क्रिकेट का वो पास भी वो बांट रहे थे जेल से ही। हमसे भी कई लोगों ने कहा कि भाई आपका कोई संबंध उम्बंध है तो हम लोगों को दिला दो। हमने कहा यार जेल से तो मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। तो ये राज्य की एक तस्वीर है। फिर आप सब ने मैं तो बार बार कहते रहा हूँ, राज्य के जो अफसर है, ये राज्य के जो मुख्यमंत्री है, अफसरों का, यानी वो अफसरों को पोस्टिंग करते हैं लुटवाने के लिए, राज्य को लूटने के लिए, और लूटते हैं तो उसमें से राज्य के में मुख्यमंत्री जो बैठे हुए उनको हिस्सा मिलता है। अगर गलती से कोई अफसर पकड़ा जाए तो फिर उनको बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। आप सब लोगों ने देखा है पिछले दिनों दिल्ली से लेकर के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक उनको बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ती है, उनको कैसे बचाया जाए भ्रष्ट अफसर को, उसके लिए पूरी तरह से सरकार प्रयास करती है। हेमंत सोरेन जी प्रयास करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका आप सब लोग उदाहरण भी जानते हैं, पूजा सिंघल के ऊपर करप्शन एक्ट के तहत FIR करने की अनुमति को भी सरकार ने रोकी हुई है। अब हेमंत सोरेन को बतानी चाहिए आखिर उनके जो FIR करने की जो अनुमति है,
फिर उन्होंने क्यों नहीं दे रहे अभी तक, क्यों उन्होंने लटकाए रखा है? ये बिल्कुल साफ है कि वो बचाना चाहते हैं, उनको बचाने के लिए प्रयासरत है। फिर आपने देखा कि वीरेंद्र राम अभी पकड़ाए हैं, उनके यहाँ क्या क्या मिला, मैं उसकी वर्णन नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोगों ने खुद ही वर्णन कर चुका है। हम लोग तो उसी से सुनते हैं, उसी से समझते हैं, सीखते हैं, उसी बात को फिर आप लोगों के समझ रखते हैं। तो आपने देखा कि जब वीरेंद्र राम के ऊपर एसीबी ने जब जांच किया और अनुमति मांगी सरकार से, तो आज तक आखिर अनुमति सरकार ने क्यों नहीं दिया? हेमंत सोरेन जी ने क्यों नहीं दिया, उनके विभाग के मंत्री ने? आखिर वो फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, क्यों उनको बचा रहे हैं? तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि इस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में सरकार काम कर रही है, कैसे इनका भ्रष्ट अफसरों के साथ गठजोड़ है, कैसे भ्रष्ट अफसरों को महत्वपूर्ण जगह पर पदस्थापित करके राज्य के खजानों को लुटवाना, ये बिल्कुल आम बात है। फिर आप सब लोग जानते हैं कि झारखंड है, इसी के बगल में क्या बोलते हैं, एक दरोगा पदस्थापित है, क्या है, तोपुदाना में। एसीबी ने उनको घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा, उसको जेल में डाला, चार्जशीटेड है, मामला अदालत में चल रहा है। और जहां वो तुपुदाना में संध्या टोपनो पदस्थापित थी, उनको गो तस्करों ने कुचल करके मार दिया। तो जैसे ही वो जगह खाली हुआ, एक भ्रष्ट दरोगा को उस स्थान पर फिर से पदस्थापित किया। इस दिनों जो जानकारी मिल रही उस क्षेत्र से किस प्रकार से वसूली हो रही है, क्योंकि उस दरोगा का कनेक्शन सीएम हाउस तक है, और उस क्षेत्र में जुआ खेलवाना, उस क्षेत्र में अवैध उत्खनन कराना, उस सड़क से गौ तस्करी करवाना और उससे मोटी रकम वसूल करके और सीएम के घरों तक पहुंचती है, तभी तो ऐसी भ्रष्ट अफसर को उस महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित किया गया है। और फिर मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं कि अभी तक तो हम सब लोगों ने घोटालों के बारे में सुन रहे थे, साहेबगंज का जहां से अभी विधायक जी खड़े हैं, कि 1000 करोड़ रुपया का ईडी वालों ने एक के ऊपर एफआईआर किया है, इतना बड़ा वहां घोटाला हुआ। फिर कल परसों वीरेंद्र राम पकड़े गए, उसके बारे में भी हम सब लोगों ने देखा, पढ़ा, सब कुछ आप सब लोगों ने सुना भी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रांची में जो जमीन घोटाला हुआ, ये उस घोटाला से भी कहीं बड़ा घोटाला है। जो पूर्व के यहाँ डीसी थे छवि रंजन, जब पदस्थापित थे, सरकारी जमीन हो यानी घर मजूरा जमीन हो, प्राइवेट जमीन हो, सरकारी जमीन हो, यहाँ तक छोड़ दीजिए कि जो हमारी सेना है, जो देश की प्रहरी होते हैं, उनकी जमीन को भी इधर उधर करके उस लोगों ने बेच डाला है, पास पड़ा हुआ है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन भी उस जमीन के यानी उस पर जांच होगी, तो अभी तक झारखंड में जितने भी घोटाला की हम सब लोगों ने सुना है, ये सारे घोटाला को पीछे छोड़ देगी। यानी इस प्रकार की जमीनों की यहाँ लूट हुई है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर हम आज कहें झारखंड में लुटेरों की सरकार है, लूटने के लिए पदस्थापित है, और लूटने के लिए भ्रष्ट अफसरों को, चार्जशीटेड अफसरों को जगह जगह पर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने पदस्थापित कर रखा है, ताकि तुम भी लूटो और लूट का 50, 60, 80 जहाँ जैसा बनता हो वैसा वसूल करो, यही इस राज्य में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलोंग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। द फॉलोअप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in